Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. Welcome to another video of Vargya Pandey with Farhan Zaid Khwaja and Behan Sajid. आज हर जगह हर क्रिकेटिंग फैन में एक ही चीज बात हो रही है जो आज इंग्लैंड और इंडिया के वुमेन क्रिकेट टीम में मैच हुआ है, और वो ये हुआ है कि मैंकेन दोबारा हुआ है। इंडिया ने मैंकेन टैक्टिक जो है, ये स्ट्रैटेजी जो है, यूज की है इंग्लैंड की आखिरी विकेट लेने के लिए, और सीरीज क्लीन कहते हैं ना कि क्लीन करने के लिए 3-0 आई थिंक। यस, तो आगे अब रिहान भाई आप बताएं इस पे आपके क्या तासुरात हैं पहले। यार मेरे तासुरात यही हैं। जैसे इंग्लैंड वर्ल्ड कप जीत गया था बाउंड्रीज की बेसिस पे, उसी तरह मेरे ख्याल से इंडिया भी जीत सकता है इस रूल के तहत। तो आई थिंक जब ये रूल का हिस्सा है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, और आप उसने माइंड यूज़ किया उस प्लेयर ने और उस टाइम पे आके आउट कर दिया। हालांकि अभी भी मैच 50-50 था, वन साइडेड मैच नहीं था। अभी भी आपके पास 35 बॉलें थी, एक विकेट चाहिए थी और आई थिंक 19 या 20 स्कोर भी चाहिए था। लेकिन खैर, जब एक रूल आईसीसी वालों ने बनाया हुआ है तो यूज़ कर सकते हैं। और जब वर्ल्ड कप आप जीत सकते हो बाउंड्री की बेसिस पे, तो इस तरह भी कर सकते हो। अच्छा, ठीक है, थोड़ी डिटेल्स इसमें डाल देते हैं कि ये जो उनकी फास्ट बॉलर है गोस्वामी, उनका आखिरी मैच भी था, तो एक किस्म का उनके लिए एक फेयरवेल मैच था। और क्लीन स्वीप करना इंग्लैंड में, इंग्लैंड को कंसिडरिंग द टीम, लेकिन बस ये मैं एक बात बता दूं कि इंडिया की जो वुमेन टीम है, दे हैव बीन डोमिनेटिंग इन दीज ईयर, स्पेशली दे हैव बीन डोमिनेटिंग। तो उनको एक तो हल्का नहीं लेना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, जहां तक आपकी बात है, इससे मैं भी यही एग्री करना चाहूंगा कि यार देखो, रूल्स में, इट्स इन द रूल्स। यहाँ पे ये बोलना कि एथिकल है अनएथिकल है, क्योंकि अगर नहीं है, अगर लोगों को इससे मसला हो रहा है तो हटा दें, निकाल दें, ठीक है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कपिल देव ने ये शुरू किया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ये चीज कपिल देव ने वर्ल्ड कप में, आई थिंक 1983 में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हाँ, ऐसा ही है। असल में ये बहुत कम देखने को मिलता है ना हमें, जिस तरह हिट विकेट है वो अक्सर हम देखते रहते हैं, लेकिन ये जो इस तरह का जो ये होता है ये हमें बहुत कम देखने को मिलता है। तो ये जब भी इस तरह का कोई सीन होता है तो सारे लोग शुरू हो जाते हैं, कोई कहता है कि ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ है, आपको स्पोर्ट्समैनशिप दिखानी चाहिए, ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। तो और मैं आपको मज़े की बात बताता हूँ, ये ज़्यादातर इंडिया के ही प्लेयर्स करते हैं मोस्टली इस तरह का, इनको ये रूल याद होता है, बाकी मैंने कभी देखा नहीं है किसी और टीम ने, किसी और टीम के प्लेयर ने इस तरह का किया हो। आईपीएल में आपको याद होगा अश्विन ने किया था और उस टाइम भी काफ़ी कंट्रोवर्सी बनी थी, और अभी भी अश्विन का ट्वीट आया है जिसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है उस प्लेयर की तारीफ की है। क्या कह सकते हैं? अच्छा नहीं, मेरा अच्छा यार, मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, एक मिनट। मुझे जहां तक लगता है कि अगर बाकी टीमों ने या बाकी प्लेयरों ने नहीं किया, तो उनको ऐसा कोई मौका, उनके पास मौका नहीं था ऐसा कि दे वर डेस्परेट इनफ। जैसे ये आखिरी विकेट थी, आखिरी विकेट पे करना। मैं एक सवाल पूछता हूँ, मैं एक सवाल पूछता हूँ। पाकिस्तान इंडिया का वर्ल्ड कप फाइनल चल रहा है, आखिरी विकेट इंडिया की लेनी है, और मतलब नहीं मिल रही, वो आखिरी प्लेयर डट गए। एक मौका मिलता है हमारे किसी बॉलर को, ठीक है, एक मौका मिलता है। अब हर कोई फखर जमान तो नहीं है ना कि अंपायर नॉट आउट भी ना दे और चला जाए, तो क्या वो पाकिस्तानी वो मौका नहीं लेगा वर्ल्ड कप जीतने के लिए? लेगा। आपको आपको याद होगा अभी एशिया कप हुआ रिसेंटली, जिसमें नसीम शाह ने आखिरी विकेट थी और उसने दो छक्के मार दिए, तो वहां पे भी ये सिनेरियो तो बन बन सकता था कि अगर वो आउट कर देता इस तरह तो अफगानिस्तान वो मैच जीत सकता था। यार लेकिन आई थिंक वो एक ऐसा सिचुएशन थी कि आसिफ अली आउट हो गया, जो मेन थ्रेट है वो चली गई है, और फिर आपने बस वो आखिरी ओवर उसको बॉलर के तौर पे। तो ये चीज वही बात है, दिमाग की बात है कि आप उस वक्त फील्ड पे कितने हैं, आप देख क्या रहे। आई डोंट थिंक वो बात उस वक्त आई भी होगी उनके जहन में। लेकिन मेरे ख्याल से अब ये चीज़ हमें ज़्यादा देखने को मिलेगी भी, क्योंकि अब काफ़ी सारे प्लेयर्स इस चीज़ को नोटिस करेंगे, और ऐसे वक्त पे जब आपको आखिरी विकेट चाहिए होती है या मैच आपने अपनी तरफ करना होता है, आपका कोई किसी टीम का मेन प्लेयर अगर आपने आउट करना है, तो ये ऑप्शन हमारे पास है कि आप इसको यूज़ कर सकते हो। अभी तो इसके इसके हक में रूल भी एक किस्म का है ना कि दिस विल बी कंसिडर्ड रन आउट। आईसीसी वालों बिल्कुल ने इसको वो भी किया ना कि रन, मैंकेन हाँ कोई रन मैच आउट जो कह,
मैकेंटायर को हम लोग रन आउट कंसिडर करेंगे। अच्छा दूसरी, अब पर्सनली तौर पे मुझे एक बात बड़ी फिट लगी है, देखो जीत के लिए किया जैसे किया वो किया, लेकिन उनसे पोस्ट मैच सेरेमनी में सवाल पूछा गया, उनकी हाँ कैप्टन से ये सवाल पूछा गया, लेकिन क्या जवाब दिया कैप्टन ने, मैं मतलब छा गई है यार कैप्टन उनकी। उसने प्रॉपर अच्छा मुंह पे बोला कि हमने वो कहती हमने जो 9 विकेटें ली हैं उसके बारे में भी तो बात करें, 9 विकेटें तो ऐसे ही नहीं ली ना हमने, हमने 9 विकेटें तो प्रॉपर तरीके से लिए। और फिर उसने ये कंप्लीट किया कि इट्स इन द गेम्स इट्स इन द लॉस, सो आई डोंट, क्राउड का प्रॉपर एक चीयर आया था। और इवन इंग्लैंड इंग्लैंड के भी प्लेयर्स ने, ऑफकोर्स वो एक इमोशनल वक्त था, आखिरी विकेट थी, जीत सकते थे नहीं जीत पाए वो रोए, लेकिन उसके बाद वो मिले आपस में, कोई कोई इतनी डिसएग्रीमेंट नहीं शो हुई। उसके बाद प्लेयरों के बयान आए, आपने अगर ट्विटर हाँ पे देखे, अभी ट्विटर फुल इस पे हर कोई बात कर रहा है, इस पे हर क्रिकेटिंग फैन हर क्रिकेट प्लेयर इस पे। सैम बिलिंग का अलग बयान आया है कि ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और इस पे एलेक्स हेल का अलग बयान आया है। एलेक्स हेल ने तो प्रॉपर कहा है कि क्रीज में नहीं रह सकता जब तक बॉल, वो जब तक बॉलर बॉल ना करे तब तक वो नॉन स्ट्राइक क्रीज में नहीं रह सकता। असल में यहाँ पे ट्रेंड तो चल रहा है, वायरल वायरल है, जा रहा है बहुत ज़्यादा। इसमें एक ये इंग्लैंड की जो एक है ट्विटर अकाउंट है, इसमें भी उन्होंने कहा कि लीगल बट दैट्स जस्ट नॉट क्रिकेट, टेरिबल वे टू एंड अ टेरिफिक गेम। अच्छा यहाँ पे काफ़ी सारे जो है ये तो ना इनके वो है उसका ना क्रिकेटिंग, इनकी वो क्रिकेट है, ये ब्राह्मी, ये वो है ना ब्राह्मी आर्मी इंग्लैंड की, हाँ, ये इनके और वो फैंस हैं जो घूमते फिरते रहते हैं। ये लोगों ने इतनी एक दिन ट्वीट की थी कि एशेज ग्रेटर देन पाकिस्तान इंडिया राइवलरी, ऐसी कोई ट्वीट की थी या पता नहीं कुछ, हाँ उस याद पर है, मुझे बड़ी याद है। इसके इस पर अलावा बड़ी इन सैम लोगों बिलिंग ने, का, सैम बिलिंग का भी हाँ इस पे सैम ट्वीट बिलिंग का था। दिखाना, सैम बिलिंग का ट्वीट किधर है? यहाँ पे कोई आया हाँ होगा ये कुछ। ये 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 नॉट इवन लुकिंग एट द अदर एंड इन दी डिलीवरी स्ट्राइक। और यहाँ पे देखो ये अब इनका जो है एंडरसन, उसका भी ये नीचे रिप्लाई आया है, स्पॉट ऑन, नो इंटेंशन ऑफ बॉलिंग द बॉल। सो आई यार ये नीचे थिंक वाली मीम देखो, नीचे वाली मीम देखो, नीचे वाली मीम आई भी एक, ये बहुत फनी है, लगान उस हाँ ये टाइम। वो आमिर खान वाली जो थी। अच्छा ये एक बहुत बड़ी बात है, ये ना एक मेरा एक सवाल है, इंग्लैंड इंग्लैंड का कौमी खेल है ये, इन लोगों ऐसा ने गेम इजाद की है, इन लोगों ने रूल्स बनाए, पाकिस्तान इंडिया तो बाद में आया है, ऐसा पाकिस्तान ही इंडिया तो बाद में आया है। है तो ये गोरों की गेम ना। ये सबसे फनी चीज है वो, देखो ना ये लगान मूवी में यही दिखाया था, वो बेचारा आगे निकला उसको पीछे से आउट कर दिया। सही आई मीन बात टॉक अबाउट रिवेंज, टॉक अबाउट कार्मा, है, रियल लाइफ, इन रियल लाइफ रियल लाइफ कार्मा। बिल्कुल। और किसी की भी ट्वीट देख लेते हैं अगर किसी की आई हो। हाउ गुड टू से ये अच्छा इंडिया के देख लेते हैं, इंडिया की ट्वीट आई है, एक नवीन शर्मा है, वो कह रहे हैं कि डिप्टी शर्मा डिड व्हाट अश्विन डिड टू बटलर इन आईपीएल, NIPL इट्स अ फर्स्ट रन आउट आफ्टर चेंजिंग द रूल्स बाय द चेंजिंग द रूल, आईसीसी। असल में अब आईसीसी ने इसको चेंज कर दिया ना, अब इसको रन आउट कहते हैं, जो दूसरा है उसका मैनकाइंड वो अब नहीं कहते इसको। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि अभी रिसेंटली चेंज हुआ, आई गेस 2 या 3 वीक्स हुए इसके अंदर, अब ये नहीं कर सकते आप, ये एशिया कप के ही बाद ये कोई नए रूल्स आए कि इसमें अब आप इसको आप रन आउट कंसिडर करेंगे। लेकिन जो भी हुआ आई थिंक जब रूल का हिस्सा है तो आप कर सकते हो, और अब इस पे डिस्कशन इतनी सिंपल नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। सिंपल एज दैट, मतलब इसके मतलब जो पर्सनली एक वही है कि सिंपल आपने या तो इसको रूल ना रखें या तो इसको अनएथिकल ना बोलें, आप इसको वो स्पिरिट ऑफ द गेम और ये और वो का नाम दे के आप दूसरी टीम के, अब देखो ना उनने 9 विकेटें तो ली हैं यार इंडिया ने, ऐसा ही इंडिया ने है, चल, और वो जीत भी सकते थे, क्या पता वो एक आउट हो जाता, कुछ हो जाता, आखिरी विकेट थी ना, कौन से कोई हाँ वो, अभी उनकी 5 6 विकेटें बाकी थी। लेकिन ये देखने वाली बात है कि ये फैसला कैप्टन ने किया या बॉलर का अपना था कि मैं इस तरह आउट कर लेती हूँ। सो जो जिसका भी था आई पर्सनली थिंक ये बॉलर्स का ही होता है, मुझे मोस्टली लगता है कि ये बॉलर्स नहीं है, बॉलर्स ही ना दिमाग लगाते हैं कि ये, लेकिन हाँ हो सकता है कैप्टन ने शायद सोचा हो, क्योंकि वो लोग खेल तो रहे थे,
जो 10 रन पे थी खातून, वो तो 30 बॉलें खेल चुकी थी, और जो जिसको आउट किया नॉन स्ट्राइकर एंड पे, वो 40 पे थी ऑलरेडी। ओके, एक मिनट स्कोर कार्ड देख लेते हैं ना, क्या थोड़ा सा समझ लग जाएगी कि क्या कहानी हुई है। अच्छा, सीन इस तरह है कि मैं देख रहा था बैटिंग उसकी इंडिया की, जब उन्होंने पहले बैटिंग की तो उन्होंने 20 ओवर में तकरीबन 169 रन बनाए थे, और ठीक है उसमें क्या? जो उनकी कैप्टन है वो तो सिर्फ 4 स्कोर बना सकी थी, और काफ़ी सारे प्लेयर्स ऐसी हैं जिन्होंने सिंगल फिगर में या डबल फिगर में वो गए ही नहीं है। और जब बैटिंग आती है उसकी, इंग्लैंड वालों की जब बैटिंग आती है, तो उसमें आप देखेंगे आखिर में आके जो है, जो जो रन आउट, जिसको रन आउट किया है बेसिकली, उसने 47 रन स्कोर किए थे। एग्जैक्टली यार ये 20 ओवर में आउट कैसे हो गई फिर? सॉरी, 4 ओवर की मैच था ये। क्या सो तो क्या हम हो गया देखते ही कम है इससे? ना, हाँ हम देखते ही कम है ना मैच लड़कियों के, इसलिए। ये चीज भी चेंज हो रही है वैसे, ये चीज भी क्या? चेंज हो रही है, स्पेशली जो फाइनल हुआ है ना 80,000 ऑस्ट्रेलिया में, वो जो वुमेन्स क्रिकेट का में हुआ था वर्ल्ड कप फाइनल, उसमें पता है 80,000 लोग आए थे देखने के लिए। तो ये अच्छी बात है, प्रोग्रेसिव सोच है, ये होना चाहिए। हमारी भी टीम यार परफॉर्म करे, हमें भी खुशी हो। निदा दा, ये जो बाकी जो है नाम थोड़े बहुत ही याद है, हमें तो सना मीर सबसे पहले याद थी, हमें तो सबसे हाँ, पहले सना मीर याद थी, उसके बाद ही अभी आई है सारी। तो सना मीर थी, वो बिस्मा मारूफ वो हाँ, जिनकी वो जिनके बेटी हुई है, जिसके साथ बड़ी तस्वीरें भी वायरल हुई हैं। एक वो लेग स्पिनर भी है ना, निदा यासिर, नहीं निदा, मैंने क्या नाम, निदा यासर कोई और निदा निदा। चलो आई गेस दैट्स ऑल फ्रॉम दिस स्ट्रीमिंग, हाँ एक अच्छी ठीक है है। गपशप भी लगी, और इसपे बाकी भी जो लोग देख रहे हैं वो अपने व्यूज बताएं, ये हमारे व्यूज हैं, हाँ ये मतलब रेहान भाई आप, और सदान भाई के, ये हमारे व्यूज हैं, आप बताएं होना चाहिए नहीं होना चाहिए। यू कैन ड्रॉप योर कमेंट्स बिलो एंड डू सब्सक्राइब विद रेहान भाई, एंड करें इसको फिर आप। ठीक है जी, बाय बाय, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज़।